नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं साइंस ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, ये है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन। इस चैनल पे हम आपको फिटनेस की सच्चाई बताते हैं, जो मेडिकल साइंस रिसर्च आर्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जिम और अपने फिटनेस एक्सपर्ट के कहने पे आप ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं, BCAA में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो रुक जाइए, ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपको अगर आपको बोला गया है इंटर वर्कआउट ब्रांच चेन अमाइनो एसिड लेना है, दिन में लेना है, कभी भी लेना है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है, उल्टा नुकसानदायक है। वो कैसे है और उसका इम्पॉर्टेंट लॉजिक क्या है, वो ये आपको आज समझाएंगे। ऑल्दो BCAA पे एक फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारा है जिसमें हमने ये बात आपको बताई थी, लेकिन एक अलग से बात बतानी ज़रूरी है जो आपको फिर समझानी इम्पॉर्टेंट है। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड बेसिकली सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स हैं आपके, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन, राइट। लेकिन ये 3 सिर्फ अकेले ही असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, बाकी के 6 यानी टोटल 9 असेंशियल अमाइनो एसिड है जिनके बगैर आपकी मसल नहीं बन सकती। नंबर 1, इमीडिएट एक्सरसाइज के दौरान तो कोई भी जगह कहीं भी कोई भी मसल नहीं बन रही। इमीडिएट एक्सरसाइज के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। जिस समय आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, ना कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। नंबर 2, जो भी आप उस समय लेते हैं इमीडिएट आपके शरीर के अंदर नहीं, आपके ब्लड के अंदर पहुंचेगा, उसको भी समय लगेगा पेट से नीचे जाके एब्जॉर्ब होके शरीर के ब्लड के अंदर जाके आपकी मसल तक पहुंचने में, इट टेक्स टाइम। इंट्रा वर्कआउट पहुंच नहीं सकता, आधे घंटा एक घंटा तो शुरुआत होगी बस पहुंचने की। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके शरीर में 9 की जगह सिर्फ 3 अमाइनो एसिड पहुंचेंगे तो बाकी सारे 6 अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाएगी। नॉर्मली आपके सेल के अंदर अमाइनो एसिड पूल होता है, आपके ब्लड के अंदर अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन करके प्रोटीन्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रोटीन से अमाइनो एसिड निकलते हैं। सो अब यहाँ पर अमाइनो एसिड पूल और इनमें जब सिर्फ 3 अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो बाकी 6 अमाइनो एसिड की कमी एक रेट लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, यानी उनकी कमी के चलते आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्लो हो जाएगी, क्योंकि बिना उन 6 के अभी भी आपकी बॉडी मसल प्रोटीन नहीं बना सकती। ऑल्दो वो 6 के 6 जो है वो असेंशियल अमाइनो एसिड आपके शरीर को चाहिए, और वो कहाँ से लेगी, वो असेंशियल है, वो नहीं बना सकती। सो आपका शरीर वो 6 अमाइनो एसिड जो लेंगी दूसरे तरफ की अननेसेसरी मसल्स को तोड़ के लेगी, कि जहाँ की आप मसल इस्तेमाल नहीं करते वहाँ की मसल एट्रोफी होती है, वहाँ से अमाइनो एसिड्स निकलेंगे, मसल से निकलेंगे तो 6 के 6 ही 9 के 9 निकलेंगे और वो दूसरी जगह बनेगा। तो कायदे से जो आपके शरीर में ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड आपने लिया वो किसी काम नहीं आया। या तो आपको पूरे के पूरे 9 अमाइनो एसिड, 9 के 9 असेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए, या तो कुछ भी नहीं, दैट्स इट। तो कायदे से अगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर बात आ रही है, मसल प्रोटीन बचाने की बात आ रही है, तो ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड का इन सब में कोई रोल नहीं है। आपका रोल सिर्फ और सिर्फ आता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स का। सो आपको प्रोटीन इनटेक चाहिए आपके पूरे दिन में लगातार, उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जहाँ तक बात है कि आपके शरीर में एसेंशियल अमाइनो एसिड अच्छे से पहुँचे, तो उसके लिए आपको समझना होगा प्रोटीन्स को। प्रोटीन के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियो है, उनको ज़रूर देखिए। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्लो करते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन को बढ़ाते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा 6 अमाइनो एसिड की कमी में, वो रेट लिमिटिंग हो जाएगा। यही सच्चाई है, इसीलिए इंट्रा वर्कआउट BCAAs लेना बंद करिए। क्यों लोग आपको उसके बारे में लेने को बोलते हैं, क्योंकि $45 बिलियन इंडस्ट्री है ये, $45 बिलियन इंडस्ट्री है, इतना पैसा इन्वॉल्व है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड में। तो ब्रांच चेन अमाइनो इसलिए बेचा जाता है, बेचने के लिए कुछ भी बोला जाता है। आपको देखना है, आपको सच्चाई जाननी है, या आपको एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा करना है। एडवर्टाइजमेंट आपके टीवी पे, रेडियो पे ही नहीं, और आपके जो जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो आपके फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं यूट्यूब पे, वो भी करते हैं, उनको सिर्फ पैसे मिलते हैं, वो बेचते हैं। सो आपको समझनी है बात तो समझिए, नहीं तो आप जो मर्ज़ी करिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।